यह चीजें थी आखिरकार, लेकिन वाइड के रूप में टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई खात खुल चुका है अतिरिक्त रनों से वाइड के रूप में। टॉस गेंद थी आखिरकार एक टप्पा खाने के बाद चौके के लिए। देखिए चौके से स्कोर ने रफ्तार पकड़ ली है, स्कोर है कुल मिलाकर 5 रन पर 11 वराचा की ओर से विकास के बल्ले से पहला चौका लगता हुआ। इस बार उठाया है लेकिन देखिए गेंद के नीचे खिलाड़ी लालू मरोली और कोई गलती नहीं, पहले विकेट का नुकसान। दर्शन कोंट नए बल्लेबाज के रूप में वन डाउन के रूप में आए हैं विकास की जगह लेने के लिए, यानी कि एक लेफ्टी के आउट होने के बाद एक और लेफ्टी को भेजा गया है कप्तान द्वारा। देखिए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर एक खिलाड़ी को तैनात किया है दर्शन के लिए। बैट के स्ट्रोक को खेलने का प्रयास था लेकिन कोई मौका नहीं उस गेंद को खेलने का। देखिए गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं, स्कोर रुका हुआ 5 रन, एक विकेट गवा चुकी है परी 11। वैसे ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, सीरीज होने वाले खिलाड़ी को 51 रुपए से नवाजा जाएगा, 5100 रुपए दिए जाएंगे मैन ऑफ द सीरीज के लिए। ये बैठ के एक परफेक्ट स्ट्रोक को खेला है आखिरकार जमीन के सारे डाउन द ग्राउंड, एक लंबा पीछा किया था। अगर बात की जाए तो देखिए वाइड डीप मिड विकेट पर खड़े थे वो खिलाड़ी और दौड़ का स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद को कलेक्ट किया, 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। चिराग मौजूद थे वहां पर फील्डिंग के लिए, 7 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर इस बार रिवर्सिव जरूर खेला है, फील्डर मौजूद थे, क्या बेहतरीन फील्डिंग की है। देखिए प्रयास कैच का था संकेत नंडेल का और आखिरकार उसे फील्ड किया, जो गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही थी उसे रोकने में कामयाबी मिली। ओवर की समाप्ति हुई, पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ, अब फील्डिंग खोली जाएगी, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन समाप्त होता हुआ। पहले ओवर के बाद स्कोर है 7 रन एक विकेट के नुकसान पर। देखिए फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन के बाद 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, और गेंदबाजी पर आए हैं बंटी पटेल। वैसे खुशबू गुजरात की जा रही है मैदान पर, अभी अभी जिग्नेश गोटी गेंदबाजी करके गए और बल्लेबाजी में है समत धनचोरा। समत के लिए वैसे इनाम रखा है हर एक सिक्सर के ऊपर 500 रुपया स्पोर्ट्स सौभन भाई की तरफ से और 200 रुपए का रोकड़ पुरस्कार चकरिया भाई बारडोली की तरफ से समत धनचोरा के लिए।
बताऊंगा ना कि सिक्सर लगाने पर 700 रुपए का रोकड़ पुरस्कार मिलेगा। ये अच्छी गेंद थी, ब्लॉक में फेंकी थी पहली ही गेंद पंडित पटेल द्वारा। कोई रन नहीं है इसके ऊपर, इसका और रुका हुआ 7 रन। कौन कर दें तो ये नटी गड़ जाओ बादल हो काम हो जे कहाँ गए आई वो नो बॉल का संकेत मिला है, यानी कि फ्री हिट मिलने वाली है इस गेंद के ऊपर। यानी कि समझ गंजोरा के पास 700 रुपए कमाने का मौका है। देखिए फील्डिंग की सजावट, शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग, जहां पर नीलेश पटेल यानी कि मोंगिया और जिमी दरबार फील्डिंग कर रहे हैं। गली के स्थान पर मोनिल पटेल, शॉट पॉइंट के क्षेत्र में पारस नायक। इस तरह से चार खिलाड़ी पास में रखे हैं, लेकिन ये फ्री हिट। ये उठाकर खेला जरूर है, लेकिन बल्ला देखिए छूट चुका है। फ्री हिट का मौका, फ्री हिट थी, फ्री हिट वाली गेंद थी, कैच जरूर पकड़ा गया। समत धनचोरा राहत की सांसें ले रहे होंगे। वैसे प्रयास सिक्सर का था, लेकिन अच्छी गेंद थी पंडित पटेल की। स्कोर बन चुके हैं 9 रन। अब सामना करेंगे दर्शन खोट, एक नामी बल्लेबाज है दर्शन। टेनिस क्रिकेट में एक बड़ा नाम जरूर बनाया है दर्शन ने, वो है बल्लेबाजी में स्ट्राइक इन पर। एक अच्छी गेंद थी, एक और अच्छी गेंद देखिए बांध के रखा है पंडित पटेल ने। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो बल्लेबाजी में तो उतने चमत्कार दिखाते ही है, लेकिन गेंदबाजी में भी जब जब ऐसी गेंदबाजी करते हैं बल्लेबाजों को रोक के रखते हैं रनों में। स्कोर अभी भी रुका हुआ 9 रन। बस लोगों गेंद थी पिछली गेंद के मुकाबले तेज गेंद और स्लो गेंद, इस गेंदबाजी का मिश्रण बनाकर का है, परिवर्तन लाते रहते अपनी गेंदबाजी में बंटी पटेल। लेकिन दर्शन को भी अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं फुटवर्क का इस्तेमाल करके बल्लेबाजी करनी होगी। अगर बंटी को खेलना है तो बैकवर्ड और फ्रंट फुट से भी खेलना होगा। बिल्कुल देखिए एक बार फिर एक और डॉट गेंद, लेकिन इस गेंद के ऊपर प्रयास जरूर किया था जगह बनाकर। पिछली 3 गेंदों की बात की जाए तो कोई भी रन नहीं, डॉट में परिवर्तित हुई है पिछली 3 गेंदें। एक बार फिर हाई वेट से पंडित पटेल अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार बोल्टर्स गेंद जरूर बनाई है, आखिरकार गेंद को पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए। जरूर की थी बंटी पटेल ने, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज दर्शन को नहीं रोक पाए थे। 2 ओवरों की समाप्ति, 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी में परिवर्तन, परिवर्तन के तौर पर खुद कप्तान आए हैं गेंदबाजी में, 2 ओवर 15 रन। खुद कप्तान आए हैं गेंदबाजी पे और स्ट्राइक पर है सामत धनचूरा। और अजीज भाई अगर सामत की बात की जाए तो कई सारे रिकॉर्ड इनके लेदर क्रिकेट में भी है, जहां तक बात की जाए तो 10,000 से भी ज्यादा रन। लेकिन टेनिस क्रिकेट में आज यहां पर क्या कर पाते वो देखने लायक रहेगा। ब्लॉक फेंकने की कोशिश की थी, सीधे बल्ले से खेला, जमीन के सारे, 1 रन जरूर मिलेगा। वैसे समझ भी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, एक
स्ट्राइक रोटेट करवाकर एक बार फिर दर्शन के हाथों में स्ट्राइक दी गई है। इसके पहले दर्शन ने कौन सी गेंदबाजी का सामना किया है वो देख चुके हैं समझ, तो आए हैं दर्शन सामना करने के लिए स्नेहल पटेल की गेंदबाजी का। लेफ्टी और राइटी का संयोजन है मैदान पर, कॉम्बिनेशन है, फील्डर्स की भी परेशानी बढ़ाकर रखेगा जब तक स्ट्राइक रोटेट होगी। उठाया है, देखिए इसी गेंद का इंतजार था शायद दर्शन को, आखिरकार गेंद पहुंचती हुई देखिए किस तरह से दिमाग का इस्तेमाल करके समझ ने स्ट्राइक को रोटेट कराया था और आखिरकार दर्शन ने सिक्सर लगाया उस गेंद के ऊपर। 6 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है अब 22 पर 11 वराचा 22 पर पहुंच चुकी है एक विकेट के नुकसान पर। इनाम वैसे समझ धनजोरा पर है और सिक्सर लगा रहे हैं दर्शन। इस बार अच्छी गेंद थी, देखिए इस बार थोड़ा सा दूर रखा था बल्लेबाज को, ऑफ साइड की लाइन पकड़ी थी इस बार स्नेहल ने, डॉट में परिवर्तित हुई है। तो पहली 3 गेंदों में 7 रन जरूर खर्च हुए हैं, अभी भी 3 गेंदें बाकी है, दर्शन है स्ट्राइक पर। वाइड स्पिनर फेंकने की कोशिश की गई थी एक बार फिर इस गेंद के ऊपर स्ट्राइक रोटेट। देखिए किस तरह से 3 खिलाड़ियों को ऑन साइड के क्षेत्र में, 4 खिलाड़ी है सीमा रेखा पर तैनात। फाइनल बाउंड्री लाइन, देखिए एक बार फिर दूर रखा जा रहा था, इस बार समझ थे बल्लेबाजी में। फाइनल लेग स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन पर जहां पर बंटी पटेल, डीप मिड विकेट पर चिका गोटी। इस बार सीधे वाले से खेला है खुद कीपर योगेश पहनकर, आखिरकार कैच आसान था। नए बल्लेबाज के रूप में मितुल लुखी, देखिए 2 विकेटों का नुकसान हो चुका है परी 11 वराचा 11 को, और 3 ओवरे समाप्त, 3 ओवर के बाद स्कोर है 23 2 विकेटों के नुकसान पर। और आगे का हाल सुनाने के लिए मैं दावत दूंगा अजीज भाई बुड़िया को। धन्यवाद साथी कमेंटेटर नूर भाई। ए गौला भाई इधर आउट स्विंग अवे फ्रॉम द बॉडी निर्णय की जा रही है योगेश पेनकर की ओर से। वैसे योगेश पेनकर का ऑल इंडिया रैंकिंग में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है मुंबई बिग बैश में, 22 गेंदों के ऊपर 88 रन, अभी तक किसी भी बल्लेबाज वहां पहुंचे भी नहीं है, आसपास भी नहीं पहुंचे। पिच हटकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, व्हाइट मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर जब तक इनको फील किया जाए संकेत टंडेल की ओर से, तब तक 1 रन और 1 के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 24 रन। कोटे के दूसरे
जिम्मेवारी संभाल रखी है बंटी पटेल ने। मोगिया फील्डिंग करे शॉट पहले के सन के ऊपर, चिराग भिनवाड़ा फील्डिंग करे डीप बैकवर्ड स्क्वेयर एक बाउंड्री लाइन के ऊपर। और इस बार तेज वहां पे विकेट देखिए योगेश पेनकर की ओर से। चौबीस रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। गुटे के दूसरे बड़ी बीमारी सौंपी जा रही है स्नेहल भट्टी। चौबीस रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। बंटी पटेल अपने गोटे के दूसरे ओवर में नो बॉल सिग्नल बाय अंपायर्स, फ्रंट फुट नो बॉल या रिटर्न क्रीज, ये दो ही ऑप्शन जिसको आप ताकि पता हुआ। इस बार चेंज ऑफ पेस किया गया, आउट स्विंग गेंदबाजी वहां पे, रिकॉर्ड स्कोर रुका हुआ 26, 26 रन पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है। विकेट कीपिंग की सेवा दी जा रही है योगेश पेनकर की ओर से। और इस बार क्रेन बॉल वहां पे समाप्ति 26 रन। विकेट के सन के ऊपर बीच के गेंदबाजी जी ने भी समान रखी है कमेंट्री बॉक्स ओर से। कोटे के दूसरे ओवर में और पारी के पांचवें ओवर में डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर बंडी पटेल डीप के ऊपर टंडे धनसेहल पटेल फील्डिंग डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। खेल अभी भी शेष है। परसों को खेला बल्लेबाज ने शॉट एक्स्ट्रा कवर के साथ के जब तक को फिट किया जा रहा अंडर आर्म थ्रो दिया जाए 28
28 रन पारी का ये पांचवा ओवर चल रहा है, 3 विकेट नुकसान के ऊपर फ्री 11 भारत। आउट स्विंग गेंदबाजी का तीव्र परिवर्तन किया गया जिग्नेश की। फिक्स शॉट खेला गया टीम्स के समय जब तक इनको फिक्स किया जाए और रन थ्रो दिया जाए योगेश बेन करके और एक रनों के साथ स्कोर बीच आ गया पर वराचा का 29 तीन विकेट के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के बल्ले पर टीम पटेल इस बार फ्री शो खेला गया बल्लेबाज टीम पटेल की ओर से 6 रन के लिए ब्यूटीफुलिंग ओवर द डीप स्क्वायरिंग। खूबसूरत कैच वहां पे स्नेहल पटेल की लंबा बाउंड्री लाइन के ऊपर स्कोर है 35 रन विकेट के नुकसान के ऊपर परी 11 वराचा का और दूर वाले छोर से पर एक विकेट में वरी समाप्त की। आउट स्विंग इन एक विकेट वहां के पीछे योगे से खेला गया डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर जब तक इनको फील किया जाए ओवर रन थ्रो दिया जाए की ओर एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ परी 11 वराचा का 36 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 4 गेंदों का खेल अभी पीछे से डीप कड़ी भी शामिल की जा रही है रिवर्सिव स्ट्रोक के लिए फील्डिंग कर रहे हैं डीप गड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर और टॉप रिवर्सिव स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से गेंद सीधी छक्के मारने का के बाहर 6 रन के लिए को खेला बल्लेबाज ने सीधे वाइट लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर और जब तक इनको फील किया जाए थ्रो दिया जाए का सारे योगेश बेन करके और वन शॉट रन सूरत गेंदबाजी वहां पे डॉट गेंद नाइस विकेट कीपिंग वहां पे
243 43 रन। हेलो मान 11 दस्तान अने जयशी 11 ना कैप्टन जड़ती कमेंट्री बॉक्स में आवे टॉस माटे मान 11 दस्तान अने जयशी 11 सूरत टॉस माटे जड़ती कमेंट्री बॉक्स में आवे बन्ने कैप्टन पहले छह ओवर में 43 रन बनाए गए टीम पर ही रेवन वराजा की ओर से सलामी बल्लेबाज के रूप में योगेश पेनकर और
मोनिल पटेल, ये दोनों पारंपरिक बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है। पृथ्वी से भी कप्तान भी है टिंगडोंग की, और से भी कई बार नेतृत्व कर चुके हैं योगेश पेनकर, टॉप फोर महाराष्ट्र टीम। निहार गेंदबाजी के ऊपर, और इस बार फुल टॉस गेंद थी और गेंद को निकाल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वेयर के ऊपर से योगेश पेनकर ने। कोरिस भी जा पहुंचा है पबिया 11 का 6 रन। और इस बार फिर से शो को खेला बल्लेबाज ने, गेंद 1 बाउंस 4 रन। भी जा पहुंचा है पबिया 11 पिपलोद का 10 रन। 10 रन बने गए इन फॉर्म बल्लेबाज योगेश पेनकर की ओर से। इधर आ गया कर्षो को खेला बल्लेबाज ने, शॉट करी के सन के ऊपर, और जब तक इनको फील किया जा रहा ओवर हम थ्रो दिया जाए नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर। 11 रन पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है। इस प्रकार अब शामिल की जा रही है डीप थर्ड मेन बाउंड्री लाइन, डीप गरी बाउंड्री लाइन के ऊपर मोनिल पटेल के लिए। कर्षो को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉट करी के फील्डर समन धंजौरा की ओर से आकर। फील्डर गेंद के नीचे एक आसान कैच छोड़ चुके वहां पे, देखा आपने, इजी कैच ड्रॉप बाय द फील्डर्स। 13 रन। गेंद रुक कर गई वहां पे, और जब तक इनको फील किया जाए शॉट गरी के सान के ऊपर समन धंजौरा की ओर से, और थ्रो किया जाए 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पबिया 11 फ्लोथ का 14 रन। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 14 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। पहले 43 रन बनाए गए। से परी 11 वराचा की ओर से स्ट्राइक के ऊपर मॉडल, और नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर योगेश पेनकर।